हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदा ज़रा। तो आज मैं आई हूँ मेकअप ट्यूटोरियल लेके, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और भी बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैं सोचा चलो आज छोटा सा सिंपल सा मेकअप भी हो जाएगा और मैं आपको अपना प्रोडक्ट बताऊँगी, ठीक है। मैं ये यूज़ करी हूँ चाइनीज़, अपने फेस पे रोलॉन यूज़ करती हूँ, इससे बेस्ट तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। जो मैंने थोड़े फेस पे दाग धब्बे हैं, थोड़े से डार्क सर्कल्स, बहुत ही हल्का सा सॉफ्ट सा मेकअप करी हूँ, पर मुझे ये लगाना पड़ता है क्योंकि आजकल मैं थोड़ी बिजी जा रही हूँ थकावट की वजह से। काफ़ी मेरा फेस ना ख़राब हो गया है। मैं यूज़ कर रही हूँ हिटमी, और अच्छा मैं ना 38 के हिसाब से लेती हूँ अपना फेस जो है। मैं 38 स्टिक भी यूज़ करती हूँ और उसी के हिसाब से फाउंडेशन भी लेती हूँ, पर फाउंडेशन के नंबर चेंज होते हैं। मैं बता देती हूँ कि इसका क्या नंबर है, क्या नाम है, लिखा कहाँ है, चलो मैं मेंशन कर दूंगी नीचे ना डिस्क्रिप्शन में। मौसम ठंडा हो रहा है, मैं बिल्कुल भी स्टिक यूज़ नहीं करूंगी। ऐसे कराची में क्या ठंडा क्या गर्म, कराची में तो कोई सर्दी। बाकी यूट्यूबर्स को मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह वहाँ तो जो इस्लामाबाद और फैसलाबाद की तरफ रहती हैं वहाँ क्या ठंड है। कराची में ठंड तो सबर भी नहीं कर सकते। एज यूजुअल आपको पता होगा कि मेरी आई साइड वीक है, तो मैं मिरर में ना देख के ही फाउंडेशन लगाऊंगी। वैसे मैं फेस के हिसाब से ये पर ये क्योंकि आपको पता है रिंग आइड लगी होती है मोबाइल में, मेरे पास अभी इतना कुछ है नहीं स्टैंड वगैरह के रिंग आइड में साइड पर रखूँ, उसी के अंदर तो मैं इस तरह, इस वजह से ना कि मेरा फाउंडेशन ना काफ़ी लाइट शो होता है, पर लाइट फाउंडेशन तो मैं कभी यूज़ नहीं ना खुद पर ना अपनी क्लाइंट्स पर, जो उनका कलर है बस उस हिसाब से। पर जब आप ब्राइडल यूज़ वो करते हो, रेडी करते हो, तो बस आपको उसको ना दो टून थोड़ा लाइट लेके जाना पड़ता है। और आजकल तो ब्राइडल भी कहती कि ज़्यादा गोरा मत करिएगा, समझ आ गई आज मेकअप से। क्योंकि मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ फिर वापस। तो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का, ये शेड है 45, यानी एवरी नहीं है, ठीक है, एवरी ज़्यादा हो जाएगा, वो ही बहुत थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत लाइट सा मेकअप आपको शो कर रही हूँ। जस्ट प्रोडक्ट क्योंकि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो चाह रहे थे कि मैं उनको प्रोडक्ट बताऊं। अच्छा ये कुछ प्रोडक्ट हैं, जब मैं दूसरा मतलब थोड़ा हैवी मेकअप करूंगी तब मैं आपको उन प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगी। तो कैजुअल मेकअप है, आप घर पे आराम से कई बार पार्टी वर्क में जाना, बाहर जाना है आराम से आप घर पे कर सकते हैं। वह लाइट लाइट सा बेस है, बहुत ही लाइट सा मेकअप है, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड किया, जल्दी 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 जल्दी
ग्लैमर का पाउडर है नंबर है 4, ठीक है। फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, ग्लैमर का लूज पाउडर यूज़ नहीं कर रही। वैसे आपने बहुत सारी वीडियो से मेरी लूज पाउडर देखा होगा, इतनी ज़्यादा नीड नहीं है फेस पे, बस जस्ट अपना फाउंडेशन सेट करने के लिए इसको हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ। शेड यूज कर रही हूँ 4। ये मेरा गंदमी कलर है, मैं 36 और 38 ज्यादा प्रेफर करती हूँ अपने फेस पे। जो कलर है बस वही अच्छा, डबल टू ना हो स्किन पे, अच्छे से सेट हो जाए, केकी ना लगे, ज़्यादा वाइट ना लगे। डे में ज़्यादातर 36 और नाइट में 38 एंड 45 हल्का सा लगा लेती हूँ क्रोलॉन, जब पार्टी वगैरह में जाना है ना, वरना तो बस हल्का सा फाउंडेशन लगाया। ये बहुत ही इजी मेकअप में टीनेज लड़कियां भी कर सकती हैं, घर में ख़वातीन जो बहुत मसरूफ़ रहती हैं, पार्लर नहीं जा सकती और उनके हस्बैंड को अच्छा लगता है, तो वो भी तो हल्का सा मेकअप करके, ओके। फेस इट का ब्लश ऑन है, मैं ऐसे बिल्कुल हल्का सा कलर ये यूज़ कर रही हूँ, ये भी हल्का नहीं है, इससे भी लाइट चाहिए यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये अवेलेबल है और मुझे जस्ट ब्लश ऑन लगाना है। कंट्रोलिंग करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, फेस जब बड़ा हो उस पर कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, या बड़े फेस को छोटा और छोटे फेस को बड़ा कैसे दिखे। ज़्यादा लंबी हो जाती है जैसे मैंने शिकायत से मेकअप पहले कर लिया। अच्छा, मैं एक ही शेड यूज़ कर रही हूँ, मैट भी और शिमर भी, तो मैं पहले ना रेड पे लूँगी ये वाला शेड डार्क ब्राउन सा, और फिर अपनी लिड कॉम्बिनेट करूँगी। शेड का ये शिमर शेड लूँगी, बहुत ही लाइट सा उसी कलर का, ठीक है, एक ही कलर यूज़ कर रही हूँ शिमर में मैट में। ये रहा, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देन हाइलाइटर बहुत ही वाइट सा नहीं यूज़ कर रही, अगर नज़र आ रहा है ये वाइट वाइट तो उसके लिए सॉरी, लाइटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अभी इतनी टेक्निक नहीं पता वीडियोज़ के लिए। मैं ब्राउन ये जो शेड यूज़ कर रही हूँ क्रीमी सा है, क्रीम कलर जैसा, ये इनर पे भी लगा, यहाँ पे भी, ठीक है। ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट है, मैं काजल लगा कर आती हूँ, क्योंकि मैं कल का काजल लगा हुआ है वो निकला नहीं है, मैं इसको दोबारा से फिक्स कर कर आती हूँ। जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ बर्थडे,
कलर है। फाइनल बहुत कुछ नहीं किया, बहुत थोड़ा सा निकल लिया, बस फाउंडेशन हल्का सा कंसीलर, बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर, और फिर सिर्फ सेट करने के लिए फेस पाउडर, बना तो उसकी नीड नहीं है क्योंकि मौसम इतना ठंडा एज यूजुअल कराची में नहीं है, आपको सेट करना पड़ेगा। कराची से बाहर हो तो अलग बात है, पर कराची में तो दो दिन सर्दी और फिर गर्मी और फिर नज़ला और फिर जुकाम, यह चल रहा है कराची में। तो यहाँ बाकी सब छोड़े, अम्मी की दिखी क्या चमक मार है क्या। और अच्छा, फिटमी का फाउंडेशन मैंने लिया है और मिस रोज़ की ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करती हूँ, और मैंने इस पर भी मेकअप सेटिंग स्प्रे भी नहीं किया। और मैं आपको दिखा दूँगी मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, फिर आप कहेंगे कि आपने दिखा है नहीं। तो ये रहा मिस रोज़ का मेरा सेटिंग स्प्रे, और मैं लगा भी लेती हूँ, भी आ गई। तो ये हुआ सेटिंग स्प्रे अगेन, अब आप देख सकते हैं एक। तो मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और देरी के लिए बहुत ही माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत मशरूफ़ थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती थी। बट अब मैं इंशाल्लाह आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, जो मुझे सब्सक्राइब, अब जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। नीड टू मच सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों की, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।